मूर आग घरों को खाली कर दिया गया। परिवारों ने घर के अंदर रहने की चेतावनी दी और स्कूलों ने जंगल की आग के रूप में बंद कर दिया। इस तीसरे दिन सीधे कस्बों पर बारिश हुई क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल मूर ब्लेज लोगों के घरों के करीब आ गया। परिवारों के दर्जनों को ग्रेट मैनचेस्टर में 2 दिनों के लिए जला दिया गया है, जो एक जंगली जंगल की आग के बाद अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया है। आपातकालीन कर्मचारियों ने सेना को स्टैंडबाय पर रखा है क्योंकि वे मूर के एक हिस्से को पकड़ने वाली आग से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां यान ब्रेडी और मायरा ने मूर हत्याओं को पूरा किया था, मंगलवार को ग्रेट मैनचेस्टर के मुख्य कैलेको क्रेशेंट क्षेत्र में लोगों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी संपत्ति छोड़ दें क्योंकि फायर फाइटर्स ने आग लग गई थी। ब्लेज जिसे अब एक बड़ी घटना घोषित कर दी गई है, रविवार को शुरू हुई और अगले दिन ब्रिटेन के गर्मी के बीच शासन कर रही थी और उसने के आसपास जमीन बर्बाद कर दी थी। ग्रेट मैनचेस्टर पुलिस ने कहा कि अब तक 34 घरों को खाली कर दिया गया है क्योंकि तेज हवाएं आवासीय क्षेत्रों के करीब आग लगती हैं। बल ने ट्वीट किया, हम सेना के संपर्क में हैं और यदि हमें उनकी जरूरत है तो वे मदद करने के लिए स्टैंड बाय हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई छवियों ने नारंगी आग को रात के आसमान को प्रकाश दिखाया, जबकि आग से धूम्रपान मील के लिए देखा जा सकता है। आग के परिणाम स्वरूप कोई चोट नहीं हुई है, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य इंग्लैंड द्वारा खिड़कियां और दर बंद कर दें। काउंसिल ने कहा कि प्राइमरी स्कूल मोस्ले हाई स्कूल और बैटन वैले प्राइमरी स्कूल आग के परिणाम स्वरूप आज बंद हो जाएगा। टेम्पसाइड फिल नेल्सन के लिए ग्रेट मैनचेस्टर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ग्रुप मैनेजर ने कहा, क्रूज अभी भी इस मुश्किल आग से निपट रहे हैं और आग लगने और आगे आग फैलने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। को बहुत कठिन परिस्थितियों, तीव्र गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और चुनौतीपूर्ण इलाके पर काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य विचार चालक दल कल्याण के लिए है। यह इस घटना पर शारीरिक रूप से काम कर रहा है और यह महत्वपूर्ण है कि हमारे अग्निशामक नियमित रूप से टूट जाएंगे और राहत कर्मियों को लेने के लिए उपलब्ध हैं। फुटेज और छवियों को भयभीत करने से जंगली आग लग गई, जो जीवित स्मृति में सबसे बुरी तरह ब्रांडेड है, जो लोगों के घरों के करीब आ रही है। कुछ दावा करने वाली आग सिर्फ मीटर दूर थी। 28 वर्षीय डी ब्लिंचर्ड ने मैनचेस्टर शाम समाचार को बताया कि वह मुश्किल से अपने घर के बाहर धूम्रपान के माध्यम से देख सकती थी। उसने कहा, हवा डाउनहिल आ रही है और यह केवल 200 मीटर दूर है। आप बाहर नहीं जा सकते, आप मुश्किल से देख सकते हैं। एक सफेद टोपी में एक फायरमैन है जो मुझे लगता है कि प्रभारी है, और उसने कहा कि हमें खाली करना पड़ा सकता है। पूर्व अधिकारी डी ने कहा, अगर वे इसे बाहर नहीं रख सकते हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। मैं सचमुच आग क्यों सुन सकता हूँ, यह एक की तरह लगता है। पुलिस ने यह कहते हुए ट्वीट किया कि स्वास्थ्य के जोखिम कम थे, लेकिन उन्होंने कहा, धूम्रपान आपकी आंखें और गले में दर्द कर सकता है, रेपेद रखें और अपने हाथ धोएं। डर्बीशायर फायर सर्विस द्वारा जारी किए गए ने पहले अग्निशामक को दिखाया, धुएं से घिरा हुआ को मार रहा था। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को अपने दर और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी। चिंताजनक रिपोर्टें थीं कि के रूप में दूर दराज के गुणों के धुएं को धुंधला कर दिया जा सकता है। पालतू मालिकों को भी जानवरों को कई आसपास के शहरों पर खतरनाक धुंध के रूप में रखने के लिए आग्रह किया गया था। ग्रेट मैनचेस्टर बर्नहम के महापौर ने अपने प्रयासों के लिए का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट किया, इस चिंतित स्थिति को शामिल करने के लिए फायर फाइटर्स के बाहर काम करने
के लिए बहुत धन्यवाद। नेटवर्क रेल की अत्यधिक मौसम कार्रवाई टीमों को कमजोर स्थानों की निगरानी के लिए देश भर में सक्रिय किया जा रहा है। न्यू मेलबर्न लाइन के लिए लंदन वाटरलू पर सेवाएं शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 11 बजे से गति प्रतिबंधों के अधीन होती हैं। नेटवर्क रेल ने कहा कि गर्म मौसम रेल लाइनों पर इस्पात का विस्तार कर सकता है और कुछ मामलों में बकसुआ वक्र, जिससे यात्रा में व्यवधान हो सकता है। धीमी गाड़ियों को ट्रैक पर कम ताकत लगाती है, जिससे की संभावना कम हो जाती है। पुलिस ने कल लोगों को गर्म मौसम में खुले पानी में के प्रलोभन का विरोध करने का आग्रह किया। सरे पुलिस ने कहा, गर्म मौसम के साथ हम लोगों को खुले पानी में के खतरों के बारे में याद दिला रहे हैं।